जरा विनंती कर दो। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अपन बघतो। खूप चांगली फलंदाजी के लिए अमित याने। अमित पहली टीम है फाइनल में पहुंचने वाली, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि लास्ट में अफोर्ड किया, 5 चौका मारा, कैप्टन ने भी बहुत अच्छा अभी कैप्टन के बारे में क्या बोले चलो ठीक है। प्रेशर सिचुएशन था, पहले ओवर में 20 रन बने थे, लास्ट ओवर में 20 रन आए, अच्छी बल्लेबाजी की, लास्ट ओवर तक रुके हुए थे, क्या 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 प्रेशर था अभी? स्टार्टिंग थर्ड ओवर में 2 बॉल डॉट हुआ तो इसके लिए बहुत प्रेशर हो गया था मैच पे, लास्ट में इसीलिए अपना बैटिंग दिखाना पड़ा। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, कांग्रेचुलेशन। सो दो टीमों को बुलाना चाहूंगा, चैलेंजर्स, घर चैलेंजर्स के कैप्टन और पारसनाथ पैंथर्स के कैप्टन। टॉस के टॉस, पारसनाथ पैंथर्स वर्सेस घर चैलेंजर्स, टॉस के टॉस। मृणाल म्हात्रे शुभ असते, आपण टॉस उडवला जाईल। दोन क्लब इज द कॉल आणि लीग येते, टॉस विन होत आहेत, काय निर्णय असेल पुन्हा एकदा? फिल्डिंग यावेळेस निर्णय बदललाय, काय कारण आहे? बॅटिंग होत नाही आता म्हणून वेळ झालाय, महत्वपूर्ण मॅच आहे, जर जिंकलात तर आपण बघतोय फायनल मध्ये जाल आणि निश्चितच पारितोषिकाचा आपण मानकरी ठराल, त्याच्यामुळे निश्चितच चांगला खेळ करावा लागेल। तर टॉस हारलात, निर्णय काय असला असता टॉस जिंकला असता? फिल्डिंग अभी पहिले मॅच बुरी तरह से हारे हुए, लास्ट ओवर में बहुत ही, पहिले 3 ओवर अच्छी थी लेकिन लास्ट ओवर में 20 रन गए, तो अभी क्या रणनीति रहेगी? बॉलर चेंज रहेगा? बॉलर चेंज है इस बार, इस बार बॉलर को चेंज रहेगा, जीतना है, ये मैच जीते तो वापस वही टीम अपने को फाइनल में मिलेगी। तो ऑल द बेस्ट दोनों टीमों को। यहाँ पे टॉस विन किया है घरज चैलेंजर्स ने और पहला निर्णय लिया है फील्डिंग करने का, तो दोनों टीम के लिए ऑल द बेस्ट। हेलो हेलो, और ये एलिमिनेटर राउंड, जो इस मैच में हारता है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। पारसनाथ पैंथर्स वर्सेस घराट चैलेंजर्स। पैंथर्स बैटिंग के लिए तैयार, देखना ये होगा कि पहला ओवर कौन डालता है, किसे भेजते हैं हितेश घरत पहला ओवर डालने के लिए, क्योंकि ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये मैच हार गए तो टूर्नामेंट के बाहर। अभी तक के हाईएस्ट स्कोरर में सबसे पहला नंबर है हितेश घरत का, 4 मैच में 77 रन्स, 4 मैचों में। दूसरे नंबर पे है पारसनाथ पैंथर्स के राहुल, 6 मैच में उन्होंने 70 रन बनाए हैं। तीसरे नंबर पे पारसनाथ स्पार्टन्स के अमित मिश्रा, 5 मैच में 48 रन बनाए। मोस्ट विकेट्स की ओर देखते हैं, मोस्ट विकेट्स में सबसे पहले नंबर पे पारसनाथ स्पार्टन्स के मृणाल म्हात्रे, 5 मैचों में 4 विकेट। दूसरे नंबर पे एक बार फिर से पारसनाथ स्पार्टन्स के अमित मिश्रा, 5 मैच में 4 विकेट। उसके बाद वापस पारसनाथ पैंथर्स विशाल, 5 मैचों में 4 विकेट। अब इस मैच में देखना होगा कौन आगे आता है। मैच स्टार्ट होने जा रही है, स्टंप चांगले कर यार, गई
हितेश घरत ने पहले ओवर करने की जो ये भार है वो खुद पे ही लिया है। और दो डॉट के बाद खाता खुला एक रन, ये एक रन गया विशाल के खाते में। राहुल आए स्ट्राइक पर और चौका, चौके से की है अपने खाते की शुरुआत। राहुल ने चौके से अपनी शुरुआत की और कुछ बात करते हुए एक रन, बड़ी ही समझदारी से, बड़ी ही फुर्ती से एक रन चुराया। ये ओवर का लास्ट बॉल, चिल्लाया बड़ा जोर से था लेकिन कोई फायदा नहीं। स्कोर है 7 बिना किसी नुकसान के एक ओवर के बाद। दूसरा ओवर किससे कराए बड़ी ही दुविधा में, बैट्समैन से ही करवाएंगे। इसको दिया और इसी के साथ शशिकांत जी के हाथ पे गेंद। शशिकांत जी तैयार और धीरे से छूते हुए, शायद बॉल पे बड़ा ही प्यार है कि बॉल को जोर से नहीं मारना, छूते छूते ही मैच को जीतना है। अगली गेंद से और ये जोर से मार दिया है लेकिन कोई फायदा नहीं, सिर्फ 2 रन। चौके की अपील तो की गई है लेकिन चौका मिल गया। पैंथर्स में हर्षोल्लास का एकदम बाण आ गया है। पिछले हार के बाद कुछ सीख ली है शायद उन्होंने, इसलिए एक भी विकेट अभी तक नहीं गिरा है। और ये कबड्डी कबड्डी कबड्डी, पांचवी गेंद, कंफ्यूज हो गए मारे तो मारे किधर, बॉल हाथ में आई लेकिन विकेट नहीं मिला। सत्रह रन, 11 बॉल में 17 रन की साझेदारी। अरे भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है, जल्दी जल्दी खेलो ना। और ये स्मिथ बॉल पकड़ना चाहते थे लेकिन अरे यार, ट्यूबलाइट जली तो जरूर लेकिन बहुत देर हो गई जलते जलते। और दो ओवर के बाद 18 रन बिना किसी नुकसान के, बड़ी अच्छी साझेदारी चल रही है लेकिन अब हाथ खोलने होंगे, अब रन बनाने होगा। अगर अभी भी ऐसे ही करते रहे तो फिर जीत मुश्किल है क्योंकि सामने हितेश घरात खड़े हैं। और हाथ खोला 2 रन, इस 2 रन के साथ स्कोर हुआ 20 रन बिना किसी नुकसान के।
निखिल अपनी दूसरी गेंद से तैयार। और जोर से घुमाया है लेकिन चौका नहीं मिलेगा। एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। स्ट्राइक पे विशाल। एक एक रन से स्कोर को आगे बढ़ाते हुए एक बार वापस से धुआंधार बैट्समैन राहुल स्ट्राइक पर। ऐसा लग रहा है निखिल जी ने मानो बांध लिया है सामने वाली टीम को। एक एक रन एकदम कंजूसी से दे रहे हैं। शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन। एक बॉल बाकी। निखिल जी की आखिरी गेंद और विकेट। इसे कहते हैं चांद सितारे लगा देना। तीन विकेट सॉरी तीन ओवर 23 रन एक विकेट के नुकसान पर। और अब कमान संभालने खुद कप्तान साहब आ गए हैं। देखना होगा कि बॉलिंग किसे मिलती है। रुदय लास्ट ओवर की जो ये कमान है रुदय जी के हाथों सौंपी है। विकेट कीपर नए विकेट कीपर आए निखिल जी। और ये रुदय की पहली गेंद और एक रन चुरा लिया। और आराम से खेलना चाहते थे। स्कोर है 25 एक विकेट के नुकसान पर। चार बॉल बाकी। और बिना बस एक रन बनाकर कप्तान चले पवेलियन। नए बल्लेबाज नए बल्लेबाज 23 रन के साथ एजे। हितेश घरत अपने प्लेयर से कुछ समझते हुए सलाह मशवरा करते हुए और ये क्या बिना गेंद पड़े ही बैट्समैन आउट। ये देखिए उनके ही प्लेयर बोल रहे हैं कि हाँ उन्हें आउट दे दिया जाए। घर में विभीषण और कमाल की फील्डिंग। तीन रन बचाए अपनी टीम के लिए। दो रन उधर गया तो दो और वाइट बड़ा टीवी चाहिए अंपायर को। कम से कम नहीं तो 7-8 बार मांग चुके हैं लेकिन अभी तक ऑर्गेनाइजर्स ने नहीं दिया। 28 रन दो विकेट के नुकसान पर। दो गेंद बाकी। और अपनी विकेट गवा बैठे। इसी के साथ स्कोर है 28 रन तीन विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद और आखिरी गेंद पे एक और विकेट रुदय जी के खाते में। 29 का टारगेट हम लोगों ने जैसे पहले देखा कि अकेले भाव ने 35 रन बना लिए थे तो टीम का पता नहीं ऐसा ना हो कि पैंथर सिर्फ हितेश घरत जी से अकेले हार जाए। आशा करते हैं कि इस बार भी ओपनिंग हितेश घरत जी करेंगे। तर आपण बघतोय महत्वपूर्ण सामना एलिमिनेटर राउंड। आपण बघतोय जो संघ जिंकेल तो डायरेक्ट फायनल मध्ये प्रवेश करेल आणि जो संघ हारेल तो या स्पर्धेतून बाहेर होईल। तर निश्चितच महाराष्ट्र प्रीमियर लीग आणि याचा टायटल साठी आपण बघतोय स्पर्धा होणार आहे लढत होणार आहे यानंतरची। एक संघाने आपण बघतोय आधीच प्रवेश केलाय तो म्हणजे संघ स्पार्टन संघ महाराष्ट्र स्पार्टन्स। यावेळेस आपण बघतोय पॅन्थर्स आणि निश्चितच चॅलेंजर्स या दोन संघामध्ये हा सामना सुरू आहे। 24 चेंडूमध्ये 29 धावांची आवश्यकता
29 रन्स नीड टू विन गरज चॅलेंजर्स या टीमला. तर क्षेत्रक्षण लावून घ्या, रणनीती आखली जाते मैदानामध्ये. आपण बघतोय बॉक्स क्रिकेटचा सामना, निश्चितच ज्या पद्धतीनं सिंगल डबलला कॉन्सन्ट्रेट केला पाहिजे, गॅपमध्ये खेळला पाहिजे. विनंती असेल फिल्डिंग लावा, पॅन्थर्स प्लीज फिल्डिंग लगाव. पारसनाथ पॅन्थर्स टीम 24 में 29 की जरूरत रहेगी. दो बल्लेबाज यहाँ पे मैदान में, हृदय और सघन. सघन सघन मुकुंद बॉलर येतोय सामन्याला सुरुवात. पंचांचा इशारा, 24 चेंडू 29 धावा. हृदय फलंदाजी मार्कवर, पहिला चेंडू गणाघात केला गेलाय आणि चौकार येतोय. रणनीती आखली गेली यावेळेस थोडीस, आणि या रणनीती अंतर्गत आपण बघतोय पहिले षटक मुकुंद हाताळताना दिसतोय, आणि यावेळेस आपण बघतोय पहिल्या चेंडूवर गणाघात चौकार येताना दिसतोय. अप्रतिम स्ट्रोक खेळला गेलाय. दुसरा एक फटका आपण बघतोय एक धाव डिक्लरेशनच्या रूपानं, 5 धावा झाल्यात. जिंकण्यासाठी आपण बघतोय 24 धावांची आवश्यकता. क्लीन बोल्ड आपण बघतोय यावेळेस निश्चितच बाद होताना दिसतोय हृदय. एकवीस बॉल 24 धावांची आवश्यकता आहे. 5 धावा झाल्यात. निर्धाव चेंडू आपण बघतोय, हौसले बुलंद आहे यहाँ पे दोनों टीम के. 20 मध्ये 24 धावांची आवश्यकता. नो चेंडूचा इथे इशारा केला गेलाय आपण बघतोय, आणि निश्चितच 1+1 2 धावा मिळत आहेत. नो बॉल आहे, धावसंख्या 7 धावा. सघन स्ट्राईकला, मुकुंद सघन चांगल्या पद्धतीने प्लेसमेंट केला गेलाय. गडीबाद होण्याची शक्यता, मात्र 1+1 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावा. बॉल पाच बॉल. 19 मध्ये 20 ची आवश्यकता. 19 चेंडू आणि 20 धावांची आवश्यकता. नो बॉल, आणि इथे आपण बघू किती धावा मिळत आहेत. 1+1 अशा 2 धावा मिळाल्यात, आणि इथे आपण बघतोय आणखीन एक चेंडू शिल्लक असणार आहे. 11 धावा झाल्यात. इथे मात्र आपण बघतोय निर्धाव चेंडू. षटक संपतंय पहिले षटकाच्या सामन्यात धावसंख्या 11 रन्स. 18 मध्ये 18 चेंडू 18 धावा. चेंडू मध्ये 18 धावांची आवश्यकता जिंकण्यासाठी. प्रेशर सिच्युएशन काय घडतंय बघणं महत्वाचं असणार आहे. टॅप केला गेलाय, एक धाव पूर्ण करतोय निश्चितच. थोडस समीकरण हलकं करतोय हितेश घरत. मोठा फटका, चांगलं क्षेत्ररक्षण थांबवलं गेलंय यावेळेस. निर्धाव चेंडू समाप्ती होताना दिसतंय. धावसंख्या 12 धावा. सुपर मॅच, फुलटॉस चेंडू यावेळेस मात्र फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. टॅप केलं हलक्याच पद्धतीनं, एक धाव घेतली. धावसंख्या 13 धावा. यावेळेस फुलटॉस चेंडू पुन्हा एकदा थांबला गेलाय, आणि निश्चितच निर्धाव चेंडू. आत्ता मात्र आपण बघतोय 14 मध्ये 16 ची गरज आहे. 14 चेंडू 16 धावा. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू, सुरेख गोलंदाजी. शेवटचा चेंडू, 5 बॉल झालेत.
यावेळेस एक धाव डिक्लरेशनच्या रूपाने मिळते आहे. निश्चितच 12 चेंडू 15 धावांची गरज, 12 मध्ये 15 एक चौकार पुन्हा एकदा मॅच मध्ये आणू शकेल. मात्र कुठेतरी आपण बघतोय चांगली गोलंदाजी आहे पॅन्थर्स या संघाकडे. अतिशय चुरशीचा मॅच बघायला मिळतोय या सामन्यामध्ये. जो जिंकेल तो निश्चितच सरळ फायनलमध्ये प्रवेश करेल. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल आपण बघतोय, यावेळेस चर्चा केली जाईल निश्चितच. सगन आणि निश्चितच आपण बघतोय नाव स्ट्रायकरकडे आपण बघतोय हितेश घरत. बॉलर रवी सोला कर्णधार. पंचांचा निर्णय अंतिम असेल. यावेळेस आउट आणि एक धाव डिक्लेअर आपण बघायला मिळते. नऊ मध्ये 13, 9 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता. एकेरी धाव इथे आपण बघतोय आणि फलंदाज बाद होताना दिसत आहेत. 8 चेंडू 13 धावा. महत्वपूर्ण सामना बघायला मिळतोय. इथे आपण बघतोय महत्वाचा फलंदाजाला स्ट्राईक मिळत नाहीये. 8 मध्ये 13 सुपर मॅच, चांगला मॅच बघायला, चांगली गोलंदाजी होताना दिसते. रवीच्या माध्यमातून सुद्धा कर्णधार आहे. इथे मात्र आपण बघतोय निर्धाव चेंडू. 7 मध्ये 13 निर्धाव चेंडू. 6 मध्ये 13 6 चेंडू 13 आणि देवेंद्र येतोय गोलंदाजी मार्कवर. 6-13 6-13 देवेंद्र टू हितेश. पहिला चेंडू नोचा इशारा पंतांच्या माध्यमातून. 6-12 चांगला फटका. यावेळेस डिक्लरेशन झोन, 2 धावा मिळत आहेत. 5-10 5 चेंडू 10 धावांची आवश्यकता. रंगतदार सामना निश्चितच. सगळ्या प्रेक्षकांची नजरा या सामन्यावर आपण बघतोय. निश्चितच घर बसल्याही काही प्रेक्षक आपण बघतोय सामना पाहत आहेत. टॅप केला गेलाय, मात्र चेंडू जातोय सीमारेषे पलीकडे. राहुल याच्याकडनं मिसफिल्डिंग. 4 चेंडू 6 धावा. व्हॉट अ मॅच. हितेश घरत संघर्ष करतोय आणि त्याला यश प्राप्त झालंय. आतापर्यंत आवडतोय मिसफिल्डिंग राहुल याच्या माध्यमातून. 4 चेंडू 6 धावा. What a match, superb match. 4 मध्ये आपण बघतोय 10 3 मध्ये 6 3 चेंडू 6 धावा. दोन मध्ये 6 या चेंडूवर जर चौकार आला तर निश्चितच चांगलं बघायला मिळेल. 2-6 2 चेंडू 6 धावा. 4 चौकार आला तर टाय होईल मॅच आणि सुपर ओव्हर बघायला मिळेल. या चेंडूवर चौकार आला तर निश्चितच मॅच जिंकू शकेल. 1 चेंडू 4 धावा 1 बॉल 4 प्रेशर.
वाइड बॉल, एक चेंडू चार धावा। एक बॉल चार, चार चार व्हाइट ने दिला, एक चार एक में चार। एक चार, व्हाट अ मैच, सुपर मैच। आणि यावेळेस विजय होतोय घरात, चॅलेंजर्स टीम हारत आहे आणि निश्चित आपण बघतोय जिंकलेली टीम आहे ती म्हणजेच पॅन्थर्स। कॉंग्रॅच्युलेशन्स, मॅन ऑफ द मॅच गोष्ट आपण बघतोय मॅच समरी। एकंदरीत आपण बघतोय राहुल यांनी 17 धावा केल्यात, त्यानंतर आपण बघतोय गोलंदाजी करताना रवी मॅन ऑफ द मॅच रवी दोन गडी बाद केले आणि आपण बघतोय यावेळेस रवी मॅन ऑफ द मॅच, सुपर बॉलिंग, दोन गडी बाद केल्यात, दोन विकेट घेतल्या त्याने आणि निश्चित कुठेतरी आपण बघतोय सामन्यामध्ये एक चांगला मोलाचा वाटा त्याच्या माध्यमातून बघायला मिळतोय। मॅन ऑफ द मॅच रवी निशान म्हात्रे यांच्याकडून आपण त्यांना निश्चितच देतोय पारितोषिक। निशान म्हात्रे यांना विनंती करतोय जे शुभ असते रवीला टी शर्ट द्यायचं मॅन ऑफ द मॅच। निशान म्हात्रे यांच्याकडून आपण टी शर्ट देतोय मॅन ऑफ द मॅच साठी। आणि फायनल मेगा फायनल पारसनाथ प्रीमियर लीग चा आपण बघतोय स्पार्टन्स वर्सेस स्पार्टन्स वर्सेस आपण बघतोय